क्योंकि उनको राष्ट्रीय चरित्र सीखने की जरूरत है। वो विदेश में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर राष्ट्रभक्त नागरिक ऐसा कृत्य कर नहीं सकता। उनको अपने दादी जी से सीखना चाहिए कि जब उनकी दादी जी विदेश में गई थी, उनका जीप कांड घोटाले में उनका नाम आया था और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। जब वहाँ विदेश में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोले नहीं, आप मेरे से भारत के बारे में कोई सवाल या भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ में कोई सवाल मेरे से नहीं करे, ना मैं उसका कोई जवाब दूंगी। तो अपनी दादी से सीख लेते वो, अभी वहाँ विदेश में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत है, निंदनीय है। उनको राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत है। उनका समर्थन खालिस्तान ने भी किया है कि हम यही तो कह रहे थे जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, यही खालिस्तान कह रहा है कि हम यही तो कह रहे थे शिक्षा सुरक्षित नहीं है। अब आप देखिए कि कैसा इनका मेल जोल है आपस में। जो खालिस्तान समर्थक जो देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और उनके साथ उनकी भाषा और राहुल जी की भाषा मिल रही है, मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आपसी तालमेल गठजोड़ इस प्रकार का है कि देश को कमजोर करने का षड्यंत्र, देश की अर्थव्यवस्था को धूमिल करने का षड्यंत्र, देश की सीमाओं पर किसी भी प्रकार का विवाद पैदा करने का षड्यंत्र। आपको पता है कि जब डोकलाम में हमारे देश के सैनिक संघर्ष कर रहे थे, उस समय वो चीन के सेनापति से बात कर रहे थे, मैं सोचता हूँ कि ये राष्ट्रीय गतिविधि। सर, कल अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि दिया कुमारी दिल्ली में थी, फिर भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो भाग नहीं ली। शायद राजस्थान और दिल्ली के बीजेपी के नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाति तो मार्बल अगर के बारे में जीएसटी कम करने पे बात हो सकती थी। मैं एक बात आपसे कहूँ, अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब ये ईआरसीपी के लिए कई बार हमारे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप अपने सेक्रेटरी को तो भेज दीजिए, आपका मंत्री नहीं आया, सेक्रेटरी तो आ जाए। न वो अपने मंत्री को भेज पाए, न वो सेक्रेटरी जा पाया, इस कारण से ईआरसीपी का काम 5 साल तक लटका रहा। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि क्या स्थिति है उनके, दूसरे पे आरोप नहीं। नहीं, मैं बात करूंगा क्या स्थिति थी, किसको बुलाया गया था, किसको नहीं बुलाया गया था। जहाँ सेक्रेटरी को जाना होता है वहाँ सेक्रेटरी जाता है, जहाँ मिनिस्टर को जाना होता है मिनिस्टर जाता है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगा कि वहाँ पर किसको बुलाया गया। वो ये कह रहे हैं सब कुछ सामान्य नहीं है बीजेपी में, सब कुछ सामान्य है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वो अपना घर संभाले, हम अपना घर संभाल रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। सर, जिले कम होंगे क्योंकि खबरें ऐसी। देखिए, एक बात मैं बताऊँ आपको, ये मैंने भी आप सबके सामने कह दिया था कि मिच्छामी दुक्कड़म, समझ रहे हो ना, मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब। देखिए, मैं जानता हूँ इस बात को कि किसी को कुछ दे दिया जाए उससे वापस लिया जाए तो दर्द तो होता ही है। मैं इस विषय पे चर्चा इसलिए नहीं करता कि ये मेरा विषय है भी नहीं, मेरा विषय है संगठन का काम करना, मेरा विषय है अपने परिवार को संभालना, ये जिला बनाना नहीं बनाना ये सरकार का काम है और मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। थोड़ा सवाल है, दिल्ली दौरा रहा आपका 2 दिवसीय, उपचुनाव को लेकर सेंटर में मतलब पूरे कुछ विशेष चर्चा हुई है? देखिए, अभी तो कोई घोषणा हुई नहीं है उपचुनाव की, लेकिन फिर भी जब बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चा होती है और बिल्कुल अभी तो सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चाएं थी और इसके अलावा जो भी बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चाएं तो होती है। कुछ कुछ टीम में बदलाव को लेकर कई लोग भी देख रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आप कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, आप कोई वाहन चलाते हैं तो छोटी मोटी उसमें भी कमी आ जाती है, तो रिपेयरिंग का काम करते ही करते हैं, इसमें जोड़ तोड़ होता ही है, घटाने का काम कोई नहीं करने वाला। रिपेयरिंग के बारे में रिपेयरिंग को लेकर सबकी नजर आएगी, रिपेयरिंग का वो नहीं, नहीं सदस्यता अभियान को, सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई हम पूरा। लेकिन भाई साहब, कई बार तो ऐसे जाओ एक वोट भी नहीं मिला तो आप वहाँ सदस्य कैसे बने? जो सुधारेंगे ना उसमें, ठीक करेंगे ना, इसीलिए तो सदस्य अभियान नए सिरे से शुरू हो रहा है। क्या हुआ अध्यक्ष, वो होगा होगा प्रशिक्षण शिविर होगा, अभी हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं, इसके बाद करेंगे।